होटल राजमहल एपिसोड 147 उलझनों का चाल। विशाल को वृद्ध आश्रम में राजवीर राठौड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है और वो मुड़कर वापस जाने ही लगता है कि तभी पीछे से एक आवाज उसे सुनाई देती है, राजवीर। ये नाम सुनते ही विशाल के आगे बढ़ते कदम थम जाते हैं। विशाल ने तुरंत मुड़कर सामने देखा तो एक बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए उसे दिखाई दी, लेकिन विशाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत आगे आकर विशाल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से विशाल को कहने लगी, राजवीर आप जिंदा हो। जिस पर विशाल हैरान हो गया और उस बूढ़ी औरत से बोला, आप जानती हैं राजवीर को? विशाल के सवाल को सुनकर उस बूढ़ी औरत ने विशाल से कहा, मैं क्या, यहां इस एनजीओ में बरसों से रहने वाला हर शख्स आपको जानता है, आप राजवीर राठौड़ हो ना। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर विशाल के हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। फिर विशाल ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, नहीं, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम विशाल है, विशाल वर्मा। विशाल की बातों को सुनकर उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ये बूढ़ी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती है बेटा, भले ही दिखना मुझे थोड़ा कम हो गया है लेकिन याददाश्त अब भी तेज है। अपने चेहरे पर आते हुए हैरानी के भाव छुपाकर विशाल ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं इस वृद्ध आश्रम को चलाती हूँ, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, कितनी मदद की है आपने हम लोगों की, आप यहाँ रोज आते थे राजवीर, आपने यहाँ रहने वाले बूढ़े असहाय लोगों के लिए क्या नहीं किया, पर जिस औरत को आप अपनी माँ बोलते थे उसके निधन के बाद मेरी आज आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने तो ये अफवाह भी सुनी थी कि आपकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन आज यहाँ अपनी आंखों के सामने आपको सही सलामत खड़ा देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है मैं आपको ये नहीं बता सकती। उस बूढ़ी औरत ने सारी बातें विशाल को बताते हुए कहा। उस औरत की बातें सुनकर विशाल चौंक गया और बोला, माँ, मेरी माँ? हाँ बेटा, विमला देवी, आपकी मुंह बोली माँ, आप उनको कैसे भूल सकते हो। विशाल के सवाल को सुनकर हैरान होते हुए बूढ़ी औरत ने भी विशाल से कहा, पर मुझे कुछ भी याद कैसे नहीं आ रहा है? विशाल ने हैरान होते हुए पूछा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी माँ के बारे में कुछ कैसे याद नहीं है, पता नहीं आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो जैसे आप हमको जानते ही नहीं हो। विशाल ने फिर से समझाया, देखिए आप जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। उस औरत ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आपका कोई जुड़वा भाई भी है? विशाल ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तभी उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप यहां खड़े खड़े ही बातें किए जा रहे हैं, आइए ना अंदर ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। लेकिन विशाल ने उनसे कहा, नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूं, क्या आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि विमला देवी कौन है? बूढ़ी औरत ने विशाल के हाथों को बड़ी ही मजबूती से अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ हाँ चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर वो औरत विशाल को अपने साथ लेकर चलने लगती है। उस बुजुर्ग महिला के साथ विशाल चलते चलते उनके कमरे में जाता है और वो उसके सामने एक तस्वीर दिखाती है कि ये है विमला देवी। उस तस्वीर को देखते ही विशाल के होश फाकता हो जाते हैं, उसकी आंखें हैरानी में बड़ी होती चली जाती हैं। वो कभी सामने खड़ी महिला को देखता है तो कभी अपने हाथ में पकड़ी इस तस्वीर को, क्योंकि ये तस्वीर उस बूढ़ी महिला की है जो विशाल को दौसा में दिखाई दी थी।
जब विशाल फल लेकर घर को लौट रहा था तब इसी तस्वीर वाली महिला ने उसे सामने आकर चिताया था कि राजवीर, अपनी जान बचाना है तो चले जाओ यहां से। विशाल का सर घूमने लगता है, उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही होती है। तब सामने खड़ी महिला ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? विशाल ने हां में सर हिलाया और पूछा, इनका क्या रिश्ता था राजवीर से? उस बूढ़ी महिला ने बताना शुरू किया, बेटा यू तो राजवीर यहां रहने वाले सभी बेबस और बेसहारा लोगों का सहारा था, सभी को अपना मानता था और सबका खूब ख्याल रखता था, मगर विमला से उसका एक अलग ही नाता था, जैसे राजवीर इसको अपनी मां मानता था। अगर इसे हल्की खरोज भी आ जाती तो बावला हो जाता था। ये सुनते ही जाने क्यों विशाल की आंखें नम होने लगती हैं। उसके जहन में एक तूफान उठने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस बुजुर्ग ने आगे बताते हुए कहा, विमला भी राजवीर से कम प्यार नहीं करती थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह दुलार करती थी। अगर वो यहां होती तो कभी मानती ही नहीं कि आप राजवीर नहीं हो। विशाल के चेहरे पर हैरानी और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। विशाल उनसे कुछ और पूछता या कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर दिव्या का नाम देखकर विशाल जल्दी से उसे उठाता है। तुम ठीक तो हो ना दिव्या? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी घर आ जाओ प्लीज, दिव्या ने जम्हाई लेते हुए विशाल से कहा। हाँ दिव्या, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर विशाल ने फोन रख दिया। विशाल फिर अपने सामने खड़ी महिला के सामने हाथ जोड़ते हुए उनको शुक्रिया बोलकर वहां से बाहर की ओर निकलने लगता है। तभी उस औरत ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा यहां आते रहना, हमें अच्छा लगेगा। उस औरत की आंखों में विशाल के लिए प्यार और अपनापन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। विशाल मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहता है, जी जरूर। कुछ देर बाद कड़ी दोपहरी में विशाल वापस मल्लिका के घर पहुंचता है और सीधा दिव्या के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उसे रूम में कहीं दिव्या दिखाई नहीं देती। ये देखकर विशाल के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। विशाल जल्दी से वॉशरूम में चेक करता है, लेकिन दिव्या वहां पर भी नहीं होती। किसी अनहोनी का डर विशाल को सताने लगता है और तभी विशाल को किचन से कुछ आवाज आती है और वो भाग कर वहां जाता है तो देखता है कि दिव्या उसके लिए खाना बना रही होती है। दिव्या को इस हालत में देखकर वो उसे डांटने लगता है, ये क्या है दिव्या, तुम्हें अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। दिव्या उसे समझाने लगती है, लेकिन विशाल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, विशाल ने दिव्या से नाराज होते हुए कहा। विशाल को खुद की इतनी फिक्र करता हुआ देखकर दिव्या को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर कहती है, सॉरी बाबा सॉरी, अब जैसे विशाल जी कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। विशाल दिव्या को इस तरह बच्चों वाली हरकतें करते देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी और घबराहट दिव्या झट से पहचान जाती है। फिर विशाल दिव्या के जख्मों पर दवा लगाकर पट्टी बदलने लगता है। दिव्या उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए पूछती है, क्या बात है विशाल, तुम कहां गए थे? विशाल के पास भी दिव्या के अलावा कहने को कोई दूसरा अपना नहीं है। दिव्या के ये पूछते ही विशाल की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसे ओल्ड एज होम का सारा वाक्या बताता है। विशाल की बातें सुनकर दिव्या भी हैरान रह जाती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है विशाल? विशाल वहां से खड़ा होकर खिड़की के पास चला जाता है और दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है दिव्या, कि मैं राजवीर कैसे हो सकता हूं? अरे मैं तो दौसा का रहने वाला हूं, वही पला बड़ा हूं, मैं विशाल हूं विशाल, लेकिन ये किस्मत जाने मेरे साथ कैसे खेल खेल रही है। विशाल को इतना परेशान देखकर दिव्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो बहुत अच्छे से जानती है कि ये दौर विशाल के लिए कितना मुश्किलों भरा है।
कैसा लगेगा जब किसी को अपनी पहचान पर ही शक हो जाए। वो बिस्तर से उठकर विशाल के करीब जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मैं जानती हूं ये वक्त थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो विशाल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। विशाल भी दिव्या की बाहों में सुकून महसूस करता है और फिर दिव्या को बिस्तर पर ले जाता है। अब हम दोनों को आराम कर लेना चाहिए, फिर मैं शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। दिव्या हां में सर हिला देती है और विशाल भी उसके बगल में लेट जाता है। कुछ देर बाद दिव्या गहरी नींद में सो जाती है। वहीं विशाल की आंखों से नींद कोसों दूर है। वो बार बार करवट बदल रहा होता है, लेकिन जैसे नींद भी जाने उससे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। पिछले दिनों में जो कुछ भी विशाल के साथ हुआ वो सारे ख्याल रह रहकर विशाल के मन को कौंध रहे होते हैं। उसे हर बात याद आ रही होती है कि कैसे उसको गोवा में किसी का मिलना, जो उसे राजवीर कहकर पुकार रहा था, और फिर जब उससे वो सच जान सकता था तभी मौके पर ही उसकी मौत हो जाना, फिर वहां से वापस आकर होटल राजमहल में वो तस्वीर मिलना जिसमें वो होटल के पुराने मालिक के साथ मौजूद है, जिसे उस दिन से पहले उसने कभी नहीं देखा था। फिर यहां मल्लिका के घर से उसकी और मल्लिका की एंगेजमेंट की तस्वीर मिलना, वो मल्लिका जिसे उसने पहली बार सिर्फ होटल राजमहल में देखा था। उसके साथ उसका कोई रिश्ता पहले से अगर था भी तो उसे याद क्यों नहीं है? क्यों मल्लिका उससे सच को छिपाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज दफन है विशाल की सच्चाई में? कौन से राज दफन है उसके वजूद में जो उससे छिपाया जा रहा है? ये सोचते सोचते विशाल बिस्तर से उठकर बाहर लॉन में आ जाता है, मगर फिर भी उसका ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे फिर ख्याल सताने लगता है कि कैसे उसका अपनी मां की बीमारी के चलते दौसा जाना हुआ, जहां उसे सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उसे कभी देखा ही ना हो। फिर उस फल वाले का मिलना और उसकी आंखों के सामने ही उसका इतनी बुरी तरह से मर जाना। ऐसा जो भी कोई होता है जो विशाल को सच से वाकिफ करवा सकता है, उसकी मौत कैसे हो जाती है? ये बात तो तय है कि कोई तो ऐसा जरूर है जो नहीं चाहता है कि विशाल सच्चाई की तह तक पहुंचे, लेकिन वो कौन है और ऐसा क्यों चाहता है? लेकिन तभी विशाल को अपनी आंखों के सामने विमला देवी का चेहरा नजर आने लगता है, जिन्हें पहली बार उसने दौसा में देखा था और उन्होंने भी उसे राजवीर कहकर पुकारा था। फिर उनका उस ओल्ड एज से ताल्लुक होना जिसका पता उसे होटल राजमहल से खुद मिला था। वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग महिला का विशाल को फिर से राजवीर कहना, ये सोचते सोचते विशाल का सर फटने लगता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन रोक रहा है मुझे मेरे वजूद तक पहुंचने से? आखिर कब तक चलता रहेगा ये? विशाल अपने मन में ही बुदबुदाने लगता है। कुछ देर यूं ही बिताने के बाद विशाल कुछ सोचता है और घर से निकल जाता है। कुछ देर के बाद विशाल अमन के घर के बाहर खड़ा हुआ है और अभी भी अमन के घर पर ताला लटका हुआ देखकर विशाल गुस्से में पैर पटकता है, लेकिन सिवाय गुस्सा होने के उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। विशाल एक और कोशिश करने के लिए अमन को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रीच आता है। विशाल की झल्लाहट अब दम तोड़ने लगती है और वो जोर से चिल्लाता है, क्यों धोखा दिया अमन तुमने मुझे? तुम तो मेरे दोस्त है ना, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तभी अचानक हवाओं का रुख बदलने लगता है, तेज आंधी आने लगती है, पेड़ों से टूटकर पत्ते इधर उधर बिखरने लगते हैं। विशाल कुछ भी समझ पाता उससे पहले उसके कानों में एक आवाज गूंज जाती है, बेटा एक बार वापस से दौसा जा, तुझे बहुत से अनकहे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये सुनते ही विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली जाती हैं। ये आवाज विशाल ने आज से पहले भी दौसा में सुनी है, ये किसी और की नहीं बल्कि विमला देवी की आवाज है। उसे अपने पीछे उनकी आहट महसूस होती है। विशाल जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता और अगले ही पल वहां का मौसम फिर से पहले की तरह शांत हो जाता है। फिर विशाल ना आओ देखता है ना ताओ,
और जल्दी से बस स्टैंड पहुंचकर दौसा के लिए रवाना हो जाता है। अब विशाल के मन में एक आत्मविश्वास है, जाने कौन सा जुनून उसे अंगारों की तरह मजबूत बनाता जा रहा है। शायद किसी ने सही ही कहा है, ये जिंदगी ऐसी चीज है जो आपको अपने आप सब कुछ सिखा देती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब विशाल के साथ हो रहा है। वो अब एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। विशाल दौसा बस स्टैंड पर उतरता है और ऑटो लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती, क्योंकि घर पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। ये सब अचानक कहां जा सकते हैं? तो क्या होगा आगे? कहां चले गए हैं आखिर विशाल के परिवार वाले? क्या दौसा पहुंचकर विशाल को सच का पता लग पाएगा? क्या विशाल राज से पर्दा उठा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।